अगर कोई कॉपीराइट वीडियोस है आपको इधर आना है वीडियोस में, ठीक है। पकड़ लो मेरा ये कॉपीराइट वाला, कुछ नहीं है उससे हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपका कांट यू आर वॉचिंग हॉट रियल लाइफ स्टाइल शो टूडे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई आज आप लोगों को दिखाऊंगा यूट्यूब का डैशबोर्ड कैसे सेटिंग्स होता है, रियलिटी जो रहता है। आप अगर नया ओपन किए हो यूट्यूब, ठीक है, चैनल सेटिंग्स करोगे यहाँ पे आपका सब कुछ हो गया, तो आपका कुछ काम रह जाता है डिस्क्रिप्शन बनाना होता है। तो डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए क्या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना पड़ेगा, यूट्यूब डैशबोर्ड, ठीक है। ये आ गया आपका यूट्यूब डैशबोर्ड, पहले में क्लिक करिए, ठीक है, ये आपका आ गया यूट्यूब डैशबोर्ड। अभी यहाँ पे क्या करना है, पहले आपका सेटिंग्स पे आना है, आके आपका जो भी करेंसी सेट कर लेना है, इंडियन है तो INR डालना है, ठीक है, INR डाला। अभी चैनल सेव कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है उससे हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंसी आएगा और कीवर्ड्स मतलब आपका जो टाइटल नहीं रहता है, मेन नेम सब्सक्राइब करते हैं, तो कोई भी सर्च करेगा तो आपका नाम पहले जाएगा। इसके लिए कीवर्ड्स हैं आपका जो भी रहेगा, पकड़ लो सोबिक लाइफस्टाइल आपका नाम है चैनल का, तो पहले सोबिक लाइफस्टाइल डाल दो, फिर से और एक बार सोबिक लाइफस्टाइल डाल लो, ठीक है, और कुछ अपना चैनल के हिसाब से टैग भी डाल देना तो हो जाएगा आपका। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पे कुछ करने का जल्द नहीं है, ये जब सब ठीक है फीचर इजिली, यहाँ पे एडवांस फीचर्स के लिए आपको अनलॉक करना पड़ता है आपका वेरिफिकेशन वीडियो देखने के बाद या वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद होता है। कुछ ID ऐसे नॉर्मल रहते हैं जो KYC बोलते हैं, और अपलोड डिप आपका टाइटल दे सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन है वो कोई वीडियो अगर छोड़ते हो डायरेक्ट क्रोम का यूट्यूब डैशबोर्ड ओपन करके वीडियो पोस्टिंग करते हो, तब ये सब आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा, इन स्क्रीन के साथ आ जाएगा सब, ठीक है। तो टैग्स भी दे सकते हो, मैं दिया नहीं, आप लोग भी दे सकते हो या नहीं दे सकते आपका चैनल के हिसाब से, और सेव कर दो, ठीक है। सेव करने के बाद आपका और एक क्या पार्ट आता है इसका ना, जो कॉपीराइट, अगर कोई कॉपीराइट वीडियोस है आपको इधर आना है वीडियोस में, ठीक है। पकड़ लो ये मेरा कॉपीराइट एक वीडियो है जहाँ मैं म्यूज़िक दिया हूँ किसी और का, तो वो ओनर का कैसे कॉपीराइट हटाएगा, ये सी का एक ऑप्शन रहेगा उधर दिखे, तो यहाँ पे ऑप्शन रहते सिलेक्ट ऑप्शन नॉट अफेक्टेड, ये एक्चुअल अफेक्टेड नहीं होता है। अगर किसी का कॉपीराइट आता है म्यूज़िक के लिए, तो वो अगर मोनेटाइजेशन होने के बाद वो म्यूज़िक क्या होता है, पूरे वीडियो का पैसा उसके पास चला जाता है, इसके लिए कॉपीराइट क्लेम देता है। और कुछ अलग पॉलिसी रहता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, इधर नहीं दिखाता है, देखो मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इधर नहीं दिखाएगा आपका, ये स्ट्राइक नहीं आएगा यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए। जब मोनेटाइजेशन हो जाएगा, इफ यू बिकम ए मेंबर ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम दिस क्लेम में अफेक्ट योर एबिलिटी टू मोनेटाइज द वीडियो, मतलब वीडियो मोनेटाइज होगा तो पैसा उसके पास जाएगा। इसके लिए तरीका है कैसे क्या उठाएगा, देखो सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक, इरेज सॉन्ग, रिप्लेस सॉन्ग, ट्रिम आउट सिगमेंट डिस्प्यूट। इरेज सॉन्ग करेगा तो पूरे सॉन्ग हट जाएगा, रिप्लेस सॉन्ग करेगा तो सॉन्ग रिप्लेस हो जाएगा, यूट्यूब ऑटोमेटिक देगा बहुत सारा सॉन्ग्स है, ट्रिम आउट सेगमेंट मतलब ट्रिम हो जाएगा वीडियो, कार्ड हो जाएगा, डिस्प्यूट मतलब मेल फेल होके इशू बढ़ता है उसको मत करो। सबसे अच्छा ऑप्शन रिप्लेस सॉन्ग, उसको करोगे या यूट्यूब आपको विथआउट कॉपीराइट वाला म्यूजिक देता है, तो चलो उसमें करते हैं। अगर आप लोग ऐसे होगा तो कीजिए, इसे तो आपका वीडियो किधर भी डिलीट नहीं होगा, पहले चला के एक बार सुन लेगा, चला के सुन लेना एक बार, और एक बार दूसरा जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐड कर दो, और देखना ऐड करने के बाद ना आपका एक लाल सिग्नल लाल वाइट हो जाएगा, छोटा छोटा सिग्नल, तो ये ऑटोमेटिक यूट्यूब देता है, जितना भी आपको कॉपीराइट सिग्नल है उतना भी आपको वो कॉपीराइट हटा के देगा। तो दो वीडियोस हैं, एक वीडियोस 15 से 30 मिनट लगता है करने के लिए, और एक 15 से 30 मिनट, ऐसे करके आपका जितना भी कॉपीराइट है हटा लो, ये सबसे ईजी तरीका है। और एक चीज़ क्या है, यूट्यूब लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना थंबनेल टेस्टिंग का एक आया है, जैसे आप 3 थंबनेल रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट एंड जनरेट, यहाँ पे तीन तीनों के रख दोगे ना तो क्या होगा, एक एक व्यूअर्स के बाद एक 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 पास जाएगा, जो ज़्यादा क्लिक होगा जिसमें ज़्यादा वॉच टाइम होगा वो काउंट होके
14 दिन में ऑटोमेटिक आपका सेट हो जाएगा। ये सिस्टम आप यूज कर सकते हो। एडिट पे जाके पेन सेक्शन एक रहेगा, पेन पे क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक करोगे तो आएगा आपका, कोई भी तीन ले लो, सेटअप कर लो। तो सेटअप करके डन करके आपको छोड़ देना पड़ेगा। ये देखो अपलोडिंग हो रहा है, सेव करना, छोड़ देना। तो क्या होगा, आपका तीनों के तीन वाला ओपन होके रहेगा, तीन थंबनेल रहेगा एक वीडियो पे। जो अच्छा रैंक करेगा वो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करेंगे सबटाइटल कैसे दे। कॉपीराइट हो गया, उसके ऊपर कमेंट सेक्शन, उसका नीचे ही ठीक सबटाइटल। ये देखो बांग्ला, इंग्लिश, ये ऑटोमेटिक बहुत सारे वीडियो पे जनरेट होके आता है ना। आप चाहे जितना भी कर सकते हो, 20 से 50 सबटाइटल ऐड कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बांग्ला इंग्लिश है। क्यों है ये, क्योंकि आप सेटिंग्स करके रखे हैं। मैं इसके लिए मेरा बांग्ला इंग्लिश आ रहा है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले जाना पड़ेगा कस्टमाइजेशन पे। ये जो देखो ये पेन के जैसा है, ये जादू के जैसा कस्टमाइजेशन फीड है। यहाँ पे चैनल बैनर ऐड कर सकते हो, चैनल लोगो, नाम अपना, अपना जो भी हैंडल करोगे किस में वो भी है, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना के रखोगे। वो डिस्क्रिप्शन बनाओगे जब, नीचे ट्रांसलेट टू चैनल नेम एंड व्यूअर जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, ये आप करके रखिए। चाहे आप तुर्की भी कर सकते हो, यूरोपियन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये जो ऐड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन करने के बाद, ये ऐड वाला लैंग्वेज है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, इसके वजह से आपका कैप्शन जो है इंग्लिश ऑटोमेटिक आएगा, हिंदी आएगा, बांग्ला आएगा। ये देखो एक साइड रहेगा इंग्लिश और ये ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट वाला ये हिस्सा। तो इसको कैसे करेंगे, ऐड लैंग्वेज में करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज, देखो यहाँ पे सिलेक्शन। अभी आप कौन सा लैंग्वेज, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी में कर लिया, ठीक है। तो मैं इटालियन कर रहा हूँ, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे फिर से टाइप कर लेना है, फिर से इसको डिस्क्रिप्शन पूरे सिलेक्ट कर लेना। क्या होगा, ये इटालियन भी समझ पाएगा वो चैनल का पूरे बारे में, ठीक है। इसका क्या होता है, ऑटोमेटिक कैप्शन इसमें जेनरेट होता है। हो गया, अभी ये ऊपर जाके पब्लिश कर देना पड़ेगा, बस यही था। और आपको कस्टमाइजेशन भी कर लेना होता है। आज का वीडियो कैसे लगा है दोस्तों, एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट जरूर चाहिए आप लोगों की तरफ से। पूरे रियल हकीकत है, आप लोग सेट करके रख दीजिए और अपना कंटेंट आप अपलोड कीजिए, तो देखना आपको सक्सेसफुल आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट होगा,